एबीसी हिंदी के इस खास फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग रेड स्क्वायर में हैं, मॉस्को शहर का सबसे फेमस इलाका। मेरे पीछे ये रेड स्क्वायर है, इसके पीछे सेंट बेसिल्स चर्च है, और ये ऐसा इलाका है जहां पर सालों साल पूरे साल भर दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम दिखाएंगे डूमा। ये पार्लियामेंट है, डूमा कहते हैं इसको, ये रशिया की पार्लियामेंट है। राइट साइड में जो बिल्डिंग है ये रशिया की पार्लियामेंट है, और आपके पहले मुलाकात करवाते हैं। वैसे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बताइए कि इधर आ जाइए ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखाते भी रहेंगे क्या क्या है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अनामिका है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ मेडिसिन पढ़ रही हूँ। आप मेडिसिन पढ़ रही हैं अनामिका, आप बताइए। मेरा नाम निहारिका है, मैं यूपी से हूँ एंड सेम है मेडिसिन। यूपी से हैं और आप भी मेडिसिन पढ़ रही हैं? मेरा नाम सिद्धाया है, मैं मुंबई से हूँ, हम भी यहाँ मेडिसिन पढ़ रहे हैं। सिद्धाया मुंबई से मेडिकल की पढ़ाई करने आए हैं। मेरा नाम शेख है और मैं गोवा से हूँ। गोवा से हैं आप? वाह। और मैं भी यहाँ मेडिकल। आप भी मेडिकल? गौरव, न्यू दिल्ली, गोवा, यूपी, एमपी, मुंबई। मेरा नाम रोहन है। आप नागपुर से? सब मेडिसिन पढ़ रहे हैं, कितने डॉक्टरों से घिरे हुए हैं आप लोग? आप लेकिन मेडिसिन नहीं पढ़ रही है मुझे पता है। सर मैं न्यू दिल्ली से हूँ, मैं विशाल, और मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ। आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, फाइनली जो है मुझे बहुत दिनों के बाद यहाँ पर एक कोई ऐसा आदमी मिला जो हमारी स्ट्रीम से है, वरना आप तो डॉक्टरों से घिरे रहते हैं। तो अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि बीबीसी हिंदी, हम लोग इन दिनों मॉस्को में हैं, रशिया में हैं, यहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाला है, और हमारी कोशिश है यहाँ से आप सब तक, आप लोगों तक एक स्लाइस ऑफ लाइफ यहाँ की पहुँचा सके जो यहाँ पर है। आज हम आपको इस फेमस रेड स्क्वायर इलाके से ये दिखाएंगे कि यहाँ पर है क्या क्या। ये देखिए, ये बिल्डिंग हमारे लेफ्ट पर है। विशाल, हम सब लोग साथ में मूव करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर। विशाल, ये क्या चीज़ है, ये क्या इलाका है? सर ये रेड स्क्वायर का ही पार्ट है। हाँ। ये हिस्टोरिकल पार्ट रहा है, जो भी वॉर्स हुई हैं उससे रिलेटेड, जितनी भी हिस्टोरिकल फ्रेंच वॉर हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो बची थी, म्यूजियम बना दिया गया है, वो यहाँ पर सेफली रखी हुई है। तो ये म्यूजियम्स हैं, रेड स्क्वायर का ही पार्ट है। ये म्यूजियम है? ये म्यूजियम्स ही है। राइट। और राइट तो यहाँ पर आते हैं क्या अक्सर जो लोग? हाँ जी सर, हम आते हैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो उन्हें दिखाने के लिए हम लोग काफ़ी आते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। इंडियंस बहुत आते हैं? इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर कितने दिनों से? ऑलमोस्ट 1.5 साल से हैं। तो कितना, अब कितना यहाँ पर घुल मिल गए, या अभी लगता है कि अभी थोड़े अनजान है? मॉस्को जितना भी घूमो उतना सब कम ही है। मॉस्को जितना घूमिए उतना कम है। आप बताइए कितना टाइम हुआ आपको? घर जैसे लगने लग गया क्योंकि हमें 1.5 ईयर्स हो गए हैं। 1.5 साल? जी। भाषा सीख ली आपने? जी थोड़ी थोड़ी। हाँ। थोड़ी थोड़ी सीखी है। मुझे तो अभी तो सर के ऊपर से निकलती है, मैं तो समझ ही नहीं पाता। मुझे इंग्लिश मीडियम है बेसिकली, तो रशियन एक सब्जेक्ट है। इतना बोलना आ गया कि शॉप्स एंड ऑल भी चल रहे हैं। ये इलाका बड़ा हिस्टोरिक एरिया है, यहाँ पर कितना आते हैं आप लोग? आप आते हैं क्या, या पढ़ाई का प्रेशर है? यहाँ पास में तो आप उन लकी लोगों में से हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं सेंट्रल एरिया में। शायद आप उतने लकी नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत दूर है यहाँ से। मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर है, तो बहुत रेयर टाइम होता है जब मैं यहाँ पर आपस हूँ। पर हम मेट्रो से नीचे से निकल जाते हैं, पर लगता है कि यहाँ पर भी आने का मौका मिले, इतनी खूबसूरत जगह। खूबसूरत जगह। हाँ जी। प्रेम हमारे शूट एडिट है जो आप तक ये सारे विजुअल्स पहुंचा रहे हैं, और हमारे साथ इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ये एक बड़ा अच्छा आलिशान 5-स्टार होटल, ये म्यूजियम है रेड स्क्वायर का बड़ा फेमस। अब आइए आपको असली जगह लेकर चलते हैं। ये इलाका क्रेमलिन कहलाता है, और ये देखिए ये मीनारें हैं सारी यहाँ पर। ये दरअसल इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, कई सौ साल पहले जब मॉस्को में ये किला है, और किला बोल सकते मॉस्को में जब अटैक वगैरह होते थे तो ये सेफ करता था, क्योंकि जितनी भी मॉस्को की पॉपुलेशन थी उस टाइम हिस्टोरिकल, वो इसी के अंदर रहती थी। जो राजा होता था, जो शासक बोलते हैं हिस्टोरिकल, इसी के अंदर रहते थे। तो वो सेफ करके रहते थे, इसमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अटैक किया गया हो। इसके उस फ्रेंच वॉर हुई है, मॉस्को नदी भी बहती है, इसके उस तरफ मॉस्को रिवर भी है, तो इसके ठीक पीछे है, क्योंकि जितने भी शहर बसाए गए हैं वो नदी के पास बसाए गए हैं। तो ये शहर की शुरुआत थी, ये किला था जिसमें शासक यहाँ से अपना शासन चलाया करता था।
जहाँ से शासक अपने शासन चलाया करते थे और जार वगैरह भी होते थे जिनको जो शासक थे उनके बारे में बताना चाहूंगा। अभी के टाइम पे व्लादिमीर पुतिन जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो भी यहीं रहते हैं, वो अभी भी यहीं रहते हैं और यहीं से ही अपना जो भी जो शासन है और जो भी पॉलिटिक्स है वो यहीं से। तो व्लादिमीर पुतिन का घर भी आप देख लें, मतलब घर क्या है, वो तो किला है और पूरा फोर्ट है और ऑफिस भी है उनका, लेकिन ये वही इलाका है। अब हम बढ़ रहे हैं रेड स्क्वायर की तरफ और हमारे साथ सात इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दूर से हमारे हमसे बात करने के लिए आए हैं। आप बताइए, बॉम्बे की जो क्लाइमेट है, बॉम्बे से हैं आप, और मॉस्को रशिया की जो क्लाइमेट, महीनों बर्फ -20 degrees, कैसे झेलते हैं? पहले जब आए थे तब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, कितना भी जैकेट पहन ले, कितना भी वार्म कपड़े पहन ले, ठंड तो लगती थी। अब 1.5 साल पर ऐसा लगता है कि मतलब अभी नॉर्मल यहाँ लगता है, पर मुंबई में थोड़ा सा टेम्परेचर 25-30 हो गया तो वहाँ पसीने आने लग जाते हैं। अब तो क्या करेंगे आगे चल के, बॉम्बे में रहेंगे या यहाँ पर बसने का सोच रहे हैं? अभी तक तो मैं तो चाहता हूँ मैं इंडिया में ही करूँ, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंडिया में ही वापस इंडिया जाए। आप लोग का आपका बताइए, आपका प्लान क्या है? आप दिल्ली से हैं? हाँ, तो दिल्ली ज्यादा मजा आता है दिल्ली में, जनपथ में और कनॉट प्लेस में? नहीं नहीं, इधर ज्यादा मजा, रेड स्क्वायर में इधर ज्यादा मजा आता है, लेकिन वहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो यहाँ पे ठंड की आदत इतनी नहीं लगी है अभी के लिए, नहीं लगी। हाँ, इमारतों में क्या फर्क दिखता है, बिल्डिंग्स में क्या, आर्किटेक्चर में क्या लगता है, दिल्ली बेटर लगता है आपको? ये बेटर लगता है क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर इतना अच्छा है एंड इधर क्लीन भी बहुत है, लाल किला भी है, तुगलकाबाद फोर्ट भी है, इतना इंडिया गेट भी है, वो सब घूम लिया है, लेकिन सब घूम लिया। हाँ, तो लेकिन हुमायूं टूम भी है। हाँ, लेकिन वहाँ से इतना घूमने मजा नहीं आता, नहीं आता, यहाँ पर ज्यादा मजा आता है क्रेमलिन में जी। और आइए वॉक करते हुए आगे चलते हैं, एक बार फिर से अपनी ऑडियंस को बता दें, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम बेसिकली बीबीसी हिंदी की ऑडियंस को मॉस्को रशिया की लाइफ दिखा रहे हैं, रेड स्क्वायर पर हैं, क्रेमलिन का एरिया है और ये देखिए बेहतरीन इमारतें हैं, ये कई सौ साल पुरानी इमारतें हैं, जो 15वीं सदी में ये बन चुकी थी इमारतें, और एक बात जो बेहतरीन है वो यही है कि इसको कितना प्रिजर्व करके रखा गया है अभी तक, क्योंकि इतने अटैक हुए यहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड, तो मतलब यहाँ तक आने ही नहीं दिया गया, मतलब जो सोल्जर्स थे उस टाइम पे उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे बचाना अपना शहर, तो उन्होंने उस तरीके से सेफ रखा है। ये इमारत को आप देख सकते हैं, एक ब्लड भी नहीं है इसके ऊपर, मतलब इतना सेफ रखा गया है, ये दोनों तरफ की जो आर्किटेक्चर है रेड स्क्वायर का। एक चीज आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, हम लोग चूंकि जिस भी जगह पर जाते हैं वहाँ पर सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, लोगों से पूछना चाहते हैं कि वहाँ पर कल्चरली कैसा महसूस करते हैं भारतीय हिंदुस्तानी जब जाते हैं, यहाँ पर सेफ्टी ऑफ विमेन के तौर पे क्या आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, क्या लगता है? जी, मुझे लगता है कि रशिया बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो टैक्सी ड्राइवर्स, यहाँ तक कि मेट्रो ड्राइवर भी वुमेन होती है, सो ये काफ़ी सेफ। लेकिन इंडिया में भी होता है, अदरवाइज क्या लगता है आपको सेफ्टी के लिहाज से, क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? इंडिया में सिर्फ थोड़ी सी जगह होंगी जहाँ पे शायद कोई एकदम 100% सेफ कोई वुमेन अपने आप को बोल सकती है, बट यहाँ पे कोई भी टाइम और किसी भी प्लेस में कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ नहीं होना चाहिए, अनसेफ है या पेरेंट्स वरी करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी सेफ। कभी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं आप लोगों को दिखा, या आपको लगा कि जब आपको लगे कि मतलब थोड़ा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी? जी, डायरेक्ट वुमेन के बारे में तो नहीं बोलेंगे, बट मॉस्को कैपिटल है, सो होते हैं यहाँ पे, बट नॉर्मली जनरल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं वो, लाइक थोड़े थोड़े जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में आया था मर्डर्स एंड ऑल, बट वो बहुत जनरल स्टूडेंट्स के लिए रेयर है वो, मतलब उसमें किसी को टारगेट नहीं करते, मेल फीमेल कोई वो नहीं, या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं लगा कभी कि किसी बाहरी लोगों को कभी टारगेट नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आइए हम लोग आगे चलते हैं, अपनी ऑडियंस को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या है, कहां पर है। अब थोड़ा सा हिस्सा जो आप देख सकते हैं वो दरअसल क्रेमलिन या रेड स्क्वायर की जान है, ये सबसे बड़ी जान है, इसको दिल बांध सकते हैं क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, ये हार्ट ऑफ द सेंटर है, यहीं से शुरुआत होती है, और ये सामने जो ये सेंट बेसिल्स चर्च है, ये सबसे मशहूर चर्च जो है, और हम यहाँ पर 4-5 दिनों से हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉस्को में इंडियन टूरिस्ट भी काफ़ी दिखते हैं। लोग कहते हैं पहले इंडियन टूरिस्ट कम आते थे, क्या सही बात है? सर, पहले बहुत कम था, पर अब ये रशिया की तरफ टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अट्रैक्शन हुआ है कि बहुत ज़्यादा, हर साल मैं खुद ही देखता हूँ, मुझे 5-6 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, तो हर साल मतलब काउंटिंग बढ़ती जा रही है,
हर साल इतने नंबर्स ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत क्या वजह क्या है? सस्ती, इतना सस्ता भी नहीं है, सस्ता नहीं है, सुंदर, सुंदरता इतनी है इसकी। लेकिन क्योंकि अभी से पहले इतना दिखाया नहीं जाता था, हो सकता है इतना पता नहीं था लोगों को, पर अब नॉलेज में इतना आ रहा है। आप देख सकते हैं कितने इंडियन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ की सुंदरता और लोगों को अब जानकारी मिल रही है कि हाँ सही में इतना सुंदर है, तो जाके क्यों ना ट्राई करा जाए, देखा जाए। तो जो लोग आते हैं देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इतना है? मतलब हर साल महंगाई के लिहाज से क्या आप लोगों को क्या लगता है कि कोप अप करने में दिक्कत होती है क्या? महंगा थोड़ा सा तो है भारत से? जी ये थोड़ा सा महंगा है, पर समय के रहते हमें खुद समझ में आ जाता है कि हमें कैसे लेना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना है और कैसे उससे क्या लगता है कि मतलब स्टूडेंट लाइफ में इंडिया में रहते तो बेहतर था या यहाँ पर बेहतर है? दोनों जगह पे पॉकेट मनी, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स सपोर्ट करते होंगे, तो फिर पॉकेट मनी का देखा जाए तो ऑब्वियसली इंडिया में हमें स्टूडेंट प्रिविलेजेस मिलते हैं, लाइक वी गेट, हाँ हमारी यूनिवर्सिटीज हमें कास्ट प्रोवाइड करती है, अच्छा, एंड उसके बेसिस पे हमें हर जगह शॉप्स में, मेट्रो में इनफैक्ट स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं। मेट्रो में भी स्टूडेंट डिस्काउंट मिलते हैं, दुकानों में भी मिलता है जी। किस तरह के डिस्काउंट्स, कितने होते हैं परसेंटेज वाइज में कुछ बताएं? परसेंटेज वाइज फॉर एग्जांपल मेट्रो अनलिमिटेड नॉर्मली जो रेंज है हमें उससे 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो 100 रुपए की जर्नी जो है वो आपकी 50 में निपटती है जी। तो वो 50 फिर बर्गर में जाता है या सैंडविच में जाता है या कोक्स के कैन सेविंग्स में जाता है? बहुत अच्छी बात है, सेविंग अभी से आप लोग करेंगे तो फिर जब 10-15 साल बाद तो बहुत ज्यादा सेविंग कर लेंगे, तो बहुत करोड़पति हो जाएंगे सेविंग करके। एक बार फिर से प्रेम से रिक्वेस्ट करेंगे, पैन करते हैं कैमरा और हम उस असल जगह पर पहुंच चुके हैं जिसको एंट्रेंस बोल सकते हैं, मॉस्को का दिल कहा जाता है। ये एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस नहीं है, क्रेमलिन, क्रेमलिन की जी। ये वॉल्स देखिए, ये किले की वॉल्स है, अंदर वहाँ पर प्रेसिडेंशियल हाउस है। सभी मीनार्स के डिजाइन अलग अलग हैं, सभी मीनार्स के डिजाइन अलग अलग हैं, ये सभी के डिजाइन आपको डिफरेंट मिलेंगे जितने भी मीनार्स बनी हुई है क्रेमलिन की। ये लेफ्ट साइड में आपको मैं बता दूं, ये यूनिवर्सल शॉप बोला जाता है, इसे रशिया में गुम बोलते हैं। गुम? हाँ जी, गुम मतलब खो जाना। गुम मतलब रशिया में एक सेंट्रल शॉप है जो गवर्नमेंट के थ्रू खोली हुई है, तो ये शॉप नहीं है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉल है इस तरीके से। पर इसमें मोस्टली आपको कल्चरेट थिंग्स मिलेंगी, जितने भी रशिया से कल्चरेटेड है और इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं सभी ब्रांड्स को आपको शॉप मिलेंगे इसमें। ये म्यूजियम के पीछे वाला हिस्सा है, इधर से भी एंट्रेंस है इसकी शायद, ये यहाँ से भी एंट्रेंस है, बैक साइड से है, तो ये सभी आपको ये पहाड़ी से ऐसी लगती है क्योंकि हाइट पर है, अभी हम लोग नीचे से चढ़ कर आए हैं। आपको पता होगा कि वैसे भी हिस्टोरिकल में रहा है जितने भी किले बने हुए हैं वो हाइट पे बने हुए हैं, रिवर और हाइट पे देख के बनाए जाते थे ताकि वो नीचे अपना जो भी चीज़ है अपना सिक्योरिटी से रिलेटेड और जितने भी चीज़ें हिस्टोरिकल वो हाइट पर रहती हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग हैं तो वो आपको हाइट उनके नीचे ही मिलेगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हाइट है। और आपको बता दूँ राइट साइड में आपका क्रेमलिन है हमारा, ये क्रेमलिन है हाँ जी, और ये इसके अंदर ये प्रेसिडेंशियल, ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है, वो जो गुंबद आपको दिख रहा है ऊपर, हाँ वो गुंबद आपको दिख रहा है वही है, वही वही है, मीटिंग्स होती है, यही बिल्डिंग है। और उसके बगल में वो क्लॉक टावर है, ये क्लॉक टावर है, और उसके सामने वो सेंट बेसिल्स चर्च, हाँ जी, 5-6 तरह के गुंबद है कलरफुल बहुत हसीन से, देखिए आइकॉनिक सेंट बेसिल्स चर्च यही है सामने। आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये स्मृति स्थल है ये लेनिन का, तो ये लेनिन का स्मृति स्थल है, आप ये देख भी सकते हैं जी। तो ये जो रेड स्क्वायर का इलाका है यहाँ पर पहुँचने के लिए कितनी आसानी या दिक्कत होती है मॉस्को से, क्योंकि जाहिर है टूरिस्ट तो बीच में आसपास रहते हैं, आप लोग तो दूर एरियाज में रहते हैं। सर ट्रैवलिंग के मामले में अगर देखें तो रशिया बेटर है ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो से, तो मेट्रो बेस्ट ऑप्शन है आने के लिए अगर कोई भी आना चाहता है मेट्रो, क्योंकि ट्रैफिक आपको पता ही है यहाँ मॉस्को बिना ट्रैफिक के चल नहीं सकता, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, चल नहीं सकता या रुक जाता है चल नहीं सकता, मतलब उन्हें आदत पड़ गई है ट्रैफिक में ही चलने की, वो ट्रैफिक के साथ ही यहाँ पर मूवमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में तो जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो लोग आना चाहते हैं रशिया, तो वो मेट्रो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो मेट्रो अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोग मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, भारत से यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं बीबीसी हिंदी में जो जुड़े हैं जो जाहिर है कि इस तरह के प्रोफेशंस की तरफ देखते हैं, मेडिसिन की पढ़ाई कितनी मुश्किल या आसान है यहाँ पर? यहाँ पे पढ़ाई वैसी ही है जैसी भारत में होती है, बस आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी एंड आई एम श्योर कि सब अच्छा होगा एंड यू विल क्लियर एवरी एग्जाम। तो कितना प्रेशर कितना रहता है पढ़ाई का?
आई थिंक सेम है जितना इंडियन स्टूडेंट्स को है, बट उससे थोड़ा कम, बिकॉज उनका हर चीज़ रिटन में जाता है, थ्योरी में जाता है. हमें यहाँ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स करना पड़ता है. सब्जेक्ट वाइज आई एम सेइंग, लाइक हम अभी सेकेंड ईयर में हैं. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया में क्वेश्चन आंसर्स बहुत थ्योरी होता है, हमें स्लाइड्स देख के आइडेंटिफाई करके और प्रैक्टिकल ज्यादा एग्जाम है, वो ज्यादा फोकस करते हैं. तो क्या आप लोगों ने कब प्लान किया कि यहाँ पर मेडिसिन करनी है? इंडिया में पढ़ने का प्लान किया या सीधे यहीं का किया? सीधे यहीं का प्लान किया. और यू आर एंजॉयिंग इट? या आप लोग बताइए अपनी एक्सपीरियंसेस एक मेडिसिन स्टूडेंट के तौर पर, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक? गोवा में तो लाइफ दूसरी थी. यहाँ गोवा मेडिकल कॉलेज मैंने देखा है, वो तो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज अच्छा है बहुत. तो गोवा मेडिकल कॉलेज के बजाय यहाँ मॉस्को में अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, वो ऑफकोर्स बेटर है क्योंकि ये मॉस्को का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, एक्चुअली रशिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है. और यहाँ मतलब हर जगह डिफर करता है, जैसे इंडिया में टीचर्स उनकी टीचिंग टेक्निक अलग है, यहाँ टीचिंग टेक्निक जो है अलग है. जो टीचर्स हैं यहाँ बायस नहीं होते. इंडिया में कभी कभी मतलब कभी कभी रेयर मतलब वरना मेडिकल प्रोफेशन में तो ये दुनिया इंडिया का लोहा मानती है, मतलब इंडिया ऑफकोर्स यहाँ इंडियन डॉक्टर्स को बहुत इज्जत मिलती है. अच्छा. हाँ. और जो टीचर्स रहते हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत मानते हैं, वो बोलते हैं कि अपने कंट्री से तुम बहुत हार्डवर्क करके यहाँ आए हो. right. तो ऑफकोर्स यहाँ तुम मस्ती तो नहीं करने वाले, यहाँ पढ़ने ही वाले हो. right. तो वैसे यहाँ बहुत अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं. right. तो वो डिफर करता है. आप बताइए, आप यहाँ से पढ़ाई जब कर लेंगे तो उसके बाद दिल्ली के हैं आप, तो क्या कभी सोचते हैं कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, एम्स में, सफदरजंग में, या वहाँ पर जाएं या यहीं पर रहना चाहते हैं? मैं वैसे मैं सोचा था कि मैं एम्स में करूँ क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे वहीं पे करना है मोस्टली. लेकिन यहाँ पे इतना टीचिंग एक्टिविटीज भी अच्छी है कि अल्टीमेटली इधर ही सेटल होने का मन करता है. ऐसा है मेरा स्पेशलाइजेशन मेडिसिन पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद अब एक MBBS का पीरियड होता है ग्रेजुएशन का, उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन का होता है. स्पेशलाइजेशन के लिए क्या प्लान करते हैं, यहीं पर रहेंगे या कितना मुश्किल होगा? अभी के लिए तो मेरा प्लान ये है कि जो जितना अभी MBBS ख़त्म करने, जब तक ख़त्म होगी तब तक आई एम प्लानिंग कि मुझे न्यूरो करना है. न्यूरो करना चाहते हैं? मतलब ये प्लान तो है अभी, पर जैसा बाद में अपना हमारे आइडिया चेंज भी हो सकते हैं, या चाहे हम यहीं से कुछ कर ले, इंडिया से कर ले. तो अभी कुछ अल्टीमेटली प्लान फिक्स नहीं लग रहा मुझे, अभी प्लान फिक्स नहीं लग रहा है. या क्या या आप लोगों को थोड़ा इस बात का वो रहता है कि इंडिया वापस जाएंगे यहाँ से पढ़ के, तो वहाँ पर एज डॉक्टर्स एक्सेप्टेंस जो है वो उतनी होगी जितनी इंडिया में जो लोग मेडिसिन पढ़ते हैं उनकी होती है? जी उतनी होगी. उतनी होती है. और कोई एग्जाम वगैरह क्लियर करना होता है उसके बाद शायद? MCI क्लियर करना होता है उसके बाद ही हो पाएगा. क्या कुछ केसेस ऐसे होते हैं क्या कि जिनका नहीं कभी कभी हो पाता, या ऐसे होते हैं केसेस? बहुत सारे केसेस हैं, और जितने % स्टूडेंट रशिया से जाते हैं, और रशिया से ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से जाते हैं. मैं तो इनके फील्ड का नहीं हूँ, पर जितनी नॉलेज है तो उसका बहुत ही कम % जो लोग हैं वो MCR क्लियर कर पाते हैं. राइट राइट. मतलब वो भी एक एक, एक, एक और आगे चल के एक इम्तहान, एक चैलेंज है आप लोगों के लिए. सबसे बड़ा बोल सकते हैं, सबसे बड़ा जो इनका चैलेंज है वो सबसे बड़ा वही है MCR क्लियर करना, क्योंकि उसके बाद ही ये प्रॉपर डॉक्टर वे में इंडिया में ही काम कर सकते हैं. इंडिया में काम कर सकते हैं. आइए एक थोड़ा सा और लोगों को सेंस देते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत देर आपको नहीं रोकेंगे. ये सेंट बेजिल्स का इलाका है, यहाँ पर ये पूरा आपने बताया मॉल है लेफ्ट साइड में. हाँ, लेफ्ट साइड में ये पूरा मॉल है, और ये राइट साइड में क्रेमलिन का पार्ट है, ये क्रेमलिन की वो है. यहाँ पर एक चीज बताइए, यहाँ पर इंडिया कितना देखने को मिलता है? इवेंट्स वगैरह क्या होते हैं, क्या इंडिया से जुड़े, या कुछ परेड वगैरह के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या होता है? इंडिया से रिलेटेड मैं बता दूँ, अभी कुछ ही दिन पहले सबसे बड़ा रशिया का फेस्टिवल हुआ है. रशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल ये 9 मई को होता है, जो विक्ट्री डे है. तो विक्ट्री डे ये यहाँ रशिया के लिए प्राउड की बात होती है. जब इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था तो रशिया विक्ट्री डे को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता है. तो आप ये पोजीशन देख सकते हैं, राइट साइड में यहीं पर व्लादिमीर पुतिन बैठते हैं अपने सारे ऑफिसर्स के साथ, सभी मिनिस्टर्स और जितने भी लोग हैं, गेस्ट जो भी होते हैं. अभी
थोड़े टाइम पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गैस थे, नरेंद्र मोदी भी आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन वो सोची गए थे, वो सोची गए हुए थे, सोची गए थे, हाँ जी, वो भी व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, व्लादिमीर पुतिन यहीं पर आए हुए थे और सभी लोग मिनिस्टर वगैरह जो भी बैठते हैं ऑफिसर्स आर्मी के, आर्मी ऑफिशियल, तो इसी रोड पे वो परेड होती है। जैसा हमारे 26 जनवरी को परेड को देखा जाता है, तो यहाँ पर की परेड आपको मतलब बिल्कुल शानदार देखने को मिलती है। सारे टेक्निकल इक्विपमेंट और जितना भी इनका आर्मी बेस जितना भी होता है, आर्मी के टैंक्स और फाइटर प्लेन्स वगैरह सभी आते हैं। जी हमने देखी है एंड वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। 26 जनवरी की परेड से बेटर होती है कि नहीं? मुश्किल सवाल है सर। इंडिया तो बेटर है, इंडिया तो इंडिया है, इंडिया तो इसके आगे कुछ नहीं है। अभी जब हमारे यहाँ मोटरसाइकिल पर, एक मोटरसाइकिल पर 50-50 लोग निकलते हैं तो वो चीज अलग होती है, उसके कंपैरिजन ये लोग नहीं, पर नहीं है कंपैरिजन। तो वो लोग, ये लोग भी कई बार बात करते हैं इंडिया की परेड के आगे ये इन लोगों की परेड नहीं है, जब एक बाइक पे 50 लोग निकल सकते हैं। तो मैं बताना भी चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले जब परेड हुई थी तो इंडियन आर्मी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट करती है। तो उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है, इन्विटेशन सभी आर्मीज को भेजा जाता है, क्योंकि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है रशिया के, तो इंडियन आर्मी को यहाँ पर एक ऑनर की तरह देखा जाता है, उन्हें यहाँ इन्वाइट किया जाता है, वो यहाँ से परेड के रूप में ही उन्हीं के साथ निकलते हैं रशियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ। कल्चरल टाइज अभी इंडिया से क्या आपको लगता है कि बीच में थोड़ा स्लाइड आया था इंडिया रशिया रिलेशनशिप्स में, अभी कल्चरली दिखता है क्या, इंडिया की प्रेजेंस दिखती है यहाँ पर? जी हाँ दिखती है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में नहीं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि और रशियंस खुद ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, रशियंस इंडियन कल्चर को इतना पसंद करते हैं, आप इंडिया में भी देख सकते हैं वो लोग कितना, और यहाँ पर इतना पॉपुलर है इंडियन सिनेमास, तो यहाँ पर इतना सोवियत टाइम से इतना फेमस रहा है, और आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ इतने इवेंट्स होते हैं जो रशियन ही करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजर ही रशियन है, ऑर्गेनाइजर उनके रशियन है। हाँ जी, और यहाँ पर 2 तारीख को भी एक और फंक्शन होने वाला है, हमारी कोशिश है कि वहाँ पर प्रेजेंस हो। वहाँ पर सुना है कि मैंने बॉलीवुड की फिल्मों को मिस करती हैं क्या आप लोग? जी हाँ। तो क्या डाउनलोड करके देखती हैं या कैसे देखती हैं? नहीं, यहाँ पे थिएटर में लगती है। अच्छा, लगती है। हाँ जी, यहाँ कुछ थिएटर्स हैं जो इंडियन मूवीज को यहाँ पर चलाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए इतना समय निकाला, और मैं आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये सभी हमारे साथ जो थे लोग हैं, ये लोग स्टूडेंट्स हैं, और हम इन सब लोगों के शुक्रगुजार इसलिए भी हैं क्योंकि इन सब लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से बहुत दूर दूर से, करीब कोई 40 मिनट मेट्रो में चढ़ के आया है, कोई 1 घंटे से आया है, और ये लोग आए थे हमसे बात करने के लिए, ताकि हम आप तक ये पहुँचा सकें कि मॉस्को में, रशिया में जो इंडियंस हैं उनका, उनकी लाइफ, उनका उनका उनकी दिनचर्या, उनका कैसे दिन बीतता है, और स्टूडेंट्स के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या नहीं है। हम लोग बीबीसी हिंदी इन दिनों रशिया में है, और हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक यहाँ से और तमाम स्टोरीज़ और तमाम चीज़ें और तमाम कलर आप तक पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये फेसबुक लाइव पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपनी वॉल पर शेयर कीजिएगा, और इतनी देर बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका।